श्वेता दी की दोस्तों, आज मैं आपको बेबी बॉय हो या गर्ल हो, उनके होने पर छठी पूजा कैसे की जाती है उसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, ये पूजा जब हमारा बेबी 5 डेज का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो छठे दिन ये पूजा की जाती है। दोस्तों, ये पूजा सुबह या दोपहर में नहीं की जाती, शाम को जब सूरज ढल जाता है उसके बाद में ये पूजा की जाती है, मगर इसकी तैयारी हमें दोपहर में ही करनी पड़ती है। इसके लिए हम लोगों को एक चार्ट पेपर के ऊपर इस तरह से पेन से पहले छठी का ड्राइंग बना लेना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों, राजस्थान में तो ये गोबर से छठी मांडी जाती है, मगर आप कोई ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आपको गोबर नहीं मिल पा रहा है तो आप मेहंदी को या अपने स्टेट के मिट्टी को पानी से इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा घोल लीजिए, डो जैसा बना लीजिए, जिससे आपको छठी मांडने में बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। और उनकी आँख आप काजल से भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह से कोडी है तो आप कोडी को भी फेविकॉल की सहायता से चिपका दीजिए तो आईज बन जाएगी। और फिर ऐसे डो को जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे इसको पूरा कवर कर दीजिए जो अपनी आकृति बनाई है, तो फिर उसको सूखने के लिए रख दीजिए दोस्तों। फिर एक लाल कपड़े को इतना लंबा और इतना चौड़ा काट के उसको थोड़ा सुई की सहायता से प्लीट्स प्लीट्स बनाकर ऐसे घाघरे जैसा एक शेप दे दीजिए दोस्तों, जो इस कागज़ के ऊपर आप आलपिन की सहायता से या डबल टेप की सहायता से जो छठी माई का कमर का हिस्सा है वहाँ पर आप ऐसे करके लगा दीजिए। और फिर एक लंबा लाल कपड़ा काट के उस पर आप चाहें तो गोटा भी लगा सकते हैं, गोटा लगा कर भी आप उनके फेस के पास आलपिन या डबल टेप की सहायता से चिपका दीजिए, तो ऐसे लगेगा कि जैसे छठी माई ने घाघरा और ओढ़ना पहना हुआ है। फिर ये जो कागज है दोस्तों, ये बहुत ढीला ढीला रहता है जिससे पूजा करने में बहुत आसानी नहीं होती है, तो आप इसको एक गत्ते के ऊपर चिपका दीजिए जिससे पूजा करते समय बहुत आसानी से आप पूजा कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो शाम को तैयारी करनी रहती है वो ये, एक पाटा लेना पड़ता है दोस्तों, एक होता है मिट्टी का जो होता है दिया लेना पड़ता है दोस्तों। उस मिट्टी के दिए के अंदर में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डालना पड़ता है, उसके अंदर में आप रुई की या नाल की जो भी पत्ती आपके घर में डाली जाती है वो डाली जाती है, रोली चावल लेते हैं और एक कटोरी के अंदर में मूंग चावल लेते हैं आखा डालने के लिए, एक कटोरी में गुड़ और गेहूं और उस पर रुपया रखते हैं वो वही छठी माता को चढ़ाने के लिए लेते हैं, घोली भी थोड़ी सी मेहंदी ली जाती है, काजल लिया जाता है, पेन और कॉपी लिया जाता है दोस्तों। जच्चा जो है पुराना ओढ़ना ओढ़ती है दोस्तों, नया ओढ़ना नहीं ओढ़ती है, बैठ जाती है। फिर उसके बाद छठी माई को पाटे के ऊपर में शाम को स्टैंड कर दिया जाता है, और स्टैंड करने के बाद में वो दिया चास के, सबसे पहले दिया चासा जाता है, उसके बाद में जो छठी माई रहती है उनके यहाँ पर नीचे की तरफ 6 रोली की 6 मेहंदी की और फिर 6 काजल की इस तरह से टिक्की लगाई जाती है। टिक्की लगाने के बाद में जो हमारी छठी माई होती है उनकी काज टिक्का लगाया जाता है, हल्का सा काजल डाला जाता है दोस्तों, और वो जो जच्चा होती है उसके भी टीका निकाला जाता है, और उसके 10 उंगलियों में मेहंदी नहीं लगाते दोस्तों, उसकी छिटली उंगली में जरा सी मेहंदी का टच करा दिया जाता है। और अगर हमारा बेबी बॉय है तो उसके सीधा टीका नहीं निकाला जाता है दोस्तों, उसके टेढ़ा टीका निकाला जाता है। और आज के दिन जच्चा और बच्चा दोनों ही नए कपड़े नहीं पहनते हैं, और ये पूजा जिस रूम में जच्चा और बच्चा होते हैं उसी रूम में होता है, दूसरे रूम में नहीं होता है। और पितरों की परहानी भी आज के दिन नहीं निकाली जाती है, और जिस दिन हमारी पाइची पूजा होती है उस दिन पितरों की परहानी निकाली जाती है, छठी पूजा के दिन पितरों की परहानी भी नहीं निकाली जाती है। और फिर उसके बाद में जच्चा हाथ जोड़कर और आखा डालती है, आखा डालने के लिए वो मूंग और चावल हाथ में ले लेती है, किसी के घर में 4 आखा डाला जाता है, किसी के घर में 6 आखा डाला जाता है, गणेश जी, भैरू जी, बालाजी, पितर जी, पितरानी जी, जो भी आपके घर में नाम लिया जाता है वो आप नाम लेकर आखा डलवा सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये पूजा हो जाती है। और वो जो आपने पेन और कॉपी रखा था
तो कॉपी के ऊपर में सतिया करना पड़ता है दोस्तों रोली से, और जो पेन होता है उसके ऊपर में मूली बांधी जाती है दोस्तों, और फिर उसके बाद में वो भी वो छठी माई के सामने में पाटे के ऊपर ही रख दिया जाता है, और वो जो गेहूँ और गुड़ होता है वो जच्चा और रुपया वहाँ पर छठी माई के चढ़ा के और धोख खाती है, जच्चा बच्चा दोनों ही धोख खाते हैं, फिर उनको आशीर्वाद दिया जाता है। फिर वो जो गुड़ और जो गेहूँ होता है वो तो आप अपने किसी स्टाफ को दे दीजिए, और आप वहाँ पर जो पूजा कराने आई है उनको भी रुपए का लिफाफा पाँव छूकर देना पड़ता है, जो भी छठी का पूजा करा रहा है वहाँ पर, और भी कोई बहन बेटी या बहू बेटी खड़ी है तो उनको भी छठी की पूजा के समय पर रुपया का लिफाफा देना पड़ता है दोस्तों। और उसके बाद वो जो छठी माई होती है वो उसके सिरहाने जो जच्चा होती है उसके रख दिया जाता है स्टैंड करके, या जैसे भी आप रखना चाहिए उसके सिरहाने रात भर रखा जाता है, और वो जो पेन और कॉपी होता है वो जो हमारा बेबी होता है उसके तकिए के पास में रख दिया जाता है, वो भी वो रात भर रहता है। फिर सुबह उठकर दोस्तों वो जो पेन और कॉपी होता है उसको तो हम लोग अलमारी में रख देते हैं, और जो हमारा जो जिस पर छट्टी मांडी हुई है उसको हम लोग उस पर से उतार लेते हैं, गत्ते के ऊपर से उतार के और उसको जल में विसर्जन कर देते हैं। अगर आपके पास कोई जल प्रवाह नहीं है तो बाल्टी के अंदर में उसको डुबो दीजिए दोस्तों, जब वो पानी में पूरा घुल जाएगा तो आप उसको किसी भी गमले में पेड़ के ऊपर कहीं भी आप चढ़ा सकते हैं, इस तरह से उनका विसर्जन हो जाता है दोस्तों। इस तरह से छठी पूजा बहुत ही सरल ढंग से की जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमारी मारवाड़ी रीति रिवाज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय दादी की।